क्लास 22। और आज का जो टॉपिक है वो समझना है कि भगवान के अवतरित होने का क्या कारण है, और भगवान ने बहुत जगह दुष्कृताम वर्ड यूज किया है, वो कौन है जिनको भगवान संहार करने आते हैं, और किस तरह से सारा ये सरस भगवान ने चला रखा है, और क्यों भगवान की लीलाएं कैसे आती हैं, उन सब के ऊपर आज की क्लास है। तो हम आगे खोल सकते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धन संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधुनाम, भक्तों के उद्धार के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धन संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने कहा है कि मैं हर युग में प्रकट होता हूं। भगवत गीता के अनुसार साधु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। आध्यात्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। तो भगवान के अनुसार साधु कौन है? सबसे पहले तो परित्राणाय साधु नाम का क्वेश्चन उठता है, साधु कौन है जिनको बचाने के लिए भगवान आने चाहते हैं? साधु है वो जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो। और प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं कि जो आध्यात्मिकता में जो लगा हुआ व्यक्ति है उसको भी आप साधु मान सकते हैं, मतलब जो हमारे वैष्णव हैं उनको भी हम साधु मान सकते हैं। फिर आते विनाश है दुष्कृताम, तो दुष्कृताम कौन हुए? भगवान बता रहे दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आता है जो कृष्ण भावना में की परवाह नहीं करते, मतलब जो अभक्त हैं वो क्या है? दुष्कृताम। ऐसे दुष्कृताम में उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे संसारिक शिक्षा में विभूषित क्यों ना हो। तो ये लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जब हम आगे बाहर किसी को बोलते हैं कि अरे ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ये पीएचडी हैं, और हम उनको वो बड़ वर्ड बोले दुष्कृताम, तो दुष्कृताम में ऐसा वर्ड जो सुनेंगे तो हमें लगेगा अरे ये दुष्कृताम हमारे को बोल रहे हैं, हम तो इतने बड़े स्कॉलर हैं, हम तो इतने बड़े बड़े इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम इतना लोक कल्याण में काम कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दुष्कृताम क्यों है, भगवान ने क्यों इनको दुष्कृताम बोला है? दुष्कृताम इसलिए बोला है क्योंकि वो ये नहीं समझते हैं कि हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम बार बार आ रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, बस उसके बाद खत्म हो जा रहे हैं सब कुछ। और ये हमारे साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों अनेकों बार हो चुका है, जहां हमारे साथ हम बार बार साइकिल में घूम रहे हैं। ना तो वो अपने जो ऊपर आश्रित लोग हैं उनको संभाल पा रहे हैं, और ना वो खुद को संभाल पा रहे हैं। जो अपना उद्धार नहीं कर सकता वो दूसरों क्या करेगा, इसलिए वो क्या बन गए? दुष्कृताम। जो दूसरों का उद्धार भी ना कर सके, जो खुद का उद्धार भी ना कर सके, जो खुद को भगवान से जोड़ सके, वो अल्टीमेटली माया से जुड़ेगा, और जो माया से जुड़ा हुआ है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं गलतियां करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं कि भक्तों से गलतियां नहीं होती हैं, भक्तों से भी गलतियां होती हैं, मगर दुष्कृताम जो अच्छा काम भी करे बट उसका रिजल्टेंट क्या है? शून्य है। कि वो सारा अच्छा काम उसके शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, या एट द मोस्ट वो जो पुण्य करेगा वो उसके अगले जन्म में भोग बन के वो खत्म हो जाएगा। मगर जो भगवान की भक्ति है वो कभी खत्म नहीं होती है, और वो भगवान की भक्ति एक ऐसी चीज है जो कभी फिनिश नहीं होती। इसकी वजह से उन जो उनको फॉलो कर रहे हैं लोग, उन्होंने उनको क्या कहा? साधु नाम। ऐसे बड़े सारे इंस्टेंसेस आते हैं जहां पर हस्बैंड जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े पीएचडी हैं, बहुत बड़े बड़े बुक्स लिखी हुई है उन्होंने, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में पकड़े जाते हैं। आप सोचिए कि वो इतने बड़े स्कॉलर हैं तब भी वो डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब कि
अपनी वाइफ के ऊपर अत्याचार करते हुए पकड़े गए हैं, या वो चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। जैसे पीछे कुछ इंस्टेंसेस आया था कि एक ज्वेलरी शॉप में एक हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों प्रोफेसर थे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उनकी कम से कम सैलरी 1.5-2 लाख रुपए ईच थी, तब भी वो एक ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी चोरी करते हुए कैमरे में, सीसीटीवी कैमरा में पकड़े गए। मतलब ज्वेलरी चोरी हुई, रात तक पता चला कि ज्वेलरी चोरी हुई है, तो उन्होंने पूरा सीसीटीवी कैमरा खंगाला, तो उनको पता चला जो हस्बैंड वाइफ आए थे उन्होंने चोरी की है, उन्होंने वो चीज अपने पॉकेट में डाल के चल दी है। और वो मतलब दोनों को मिला के सैलरी 3.5-4 लाख रुपए महीना आ रही है, उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, एक ज्वेलरी शॉप में जाके चोरी कर रहे हैं। इतना छोटा सा, क्या चोरी किया होगा उन्होंने, 10-20 ग्राम सोना कर लिया होगा, है ना, कोई बैंक तो लूटे नहीं, 10-20 ग्राम सोने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी पूरा जो उन्होंने नॉलेज एक्वायर किया था सब कुछ एक बार शून्य कर दिया, मतलब कितने छोटे सी चीज के लिए। तो जो भक्त होते हैं वो हमेशा अपने वैष्णवों के गाइडेंस में रहते हैं, भगवान के संरक्षण में रहते हैं, इसलिए वो कभी गलतियां करते भी हैं तो वो फटाफट सुधार लेते हैं। मगर जो नॉर्मल इंसान है जो कि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनसे गलतियां बार बार हो रही होती हैं और उनको खुद समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं इतना परेशान क्यों हूं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं इतना ज्यादा तकलीफ में क्यों हूं, मेरे साथ इतनी समस्याएं क्यों आ रही है, जबकि मैं तो एक अच्छा इंसान हूं तब भी मेरे को इतनी समस्याएं आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि वो बार बार गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों का फल उनको भोगना पड़ रहा है। आगे क्या कहा जा रहा है, जहां तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए भी उस रूप के लिए अवतरित हो जिस रूप में वे रावण और कंस के वध के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है। आप देखिए, भगवान को किसी को मारने के लिए खुद नहीं आना पड़ता, वो तो रावण और कंस जैसे महान लोग थे। मैं तो उनको भी महान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो कोई छोटे मोटे पापी नहीं थे, वो ऐसे नहीं थे छोटे मोटे पापी थे, उनके सामने देवी देवता भी सब लाइन लगा के खड़ा हुआ करते थे, है ना, वो भी महान थे भाई, अपनी अपने पॉइंट पे तो बहुत महान थे वो, उनके सामने प्रजापति हाथ खड़े, जो अब के हमारे जितने गैंगस्टर्स हैं या जितने पापी लोग हैं उन किसके सामने देवता आके खड़े हो रहे हैं, उनके किसके दरबार में सारे प्रजापति लाइन लगा के खड़े हुए, किसी के भी उसमें नहीं खड़े हो रहे, तब भी वो अपना इतना घमंड करते। भगवान बोल रहे हैं, अरे इस तरह के छोटे छोटे इनको मारने के लिए तो क्या होता है, मेरा कोरोना वायरस बहुत है ना तो इतने को भी खत्म हो जाएगा, किसके जाने क्या रीजन है वो हमें नहीं पता। मगर मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि एक छोटा सा वायरस भी अगर भगवान भेज देंगे तो जितने भी दुष्कृता में वो खत्म हो जाएंगे। जरूरी कि मतलब अभी मैं कोरोना का नहीं बता रही, कोरोना में दुष्कृता में खत्म हो, ऐसे मेरा कोई पिन पॉइंटिंग नहीं है, बट मैं सिर्फ कह रही हूँ कि भगवान का एक छोटा सा वायरस भी भेजा हुआ एनफ है किसी को भी खत्म करने के लिए, भगवान को स्वयं आने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि सपोज हमारे यहाँ का कोई चौकीदार भी छोटा सा काम करके आया तो उसके लिए मैं क्यों जाऊंगी, वो चौकीदार कर रहे हैं ना वो काम, गेट के ऊपर अगर सेफ्टी करने का काम है वो कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों करूंगी वो काम। तो बिल्कुल ऐसे ही भगवान क्यों करेंगे वो काम जो उनका छोटा सा वायरस कर सकता है। तो इसीलिए भगवान ने क्या बोला कि दुष्कृता में जो बड़े बड़े थे, रावण थे, कंस थे, है ना, जरासंध थे, जिनको भगवान ने खुद आशीर्वाद दिया था कि अच्छा ठीक है मेरे को युद्ध रस में जाना है, थे तो वो जय विजय ना सारे, तो उनके साथ युद्ध करने का मन था तो भगवान ने लीला रचाने के लिए किया, बट अदरवाइज भगवान को क्यों आने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, असुर भक्त को तंग करता है भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित हुए। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी किंतु उन्हें तथा अपने उनके पति वसुदेव के लिए को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि वे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवदत्त के उद्धार के लिए प्रकट हुए, कंस को मारने के लिए नहीं, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः ये कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने के लिए और दुष्टों को मारने के लिए आते हैं। तो इस बात से हमें क्या समझ में आया, एक तो हमें इसमें समझ में आता है इन सभी दुराचारियों की हम देखते हैं
तो हमें समझ में आता है कि इनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी जो हमारे अंदर है. एक्चुअली हम सब भी छोटे छोटे मिनी मिनी राक्षस हैं. क्या क्या राक्षस है हमारे अंदर, क्या बोल रहे हैं माता जी, हम मिनी राक्षस का है, हम तो भक्त हैं. नहीं, हमारे अंदर बहुत सारे मिनी मिनी राक्षस बैठे हुए हैं, है ना. हिरण्यकश्यप क्या प्रॉब्लम थी उसको, प्रॉब्लम थी कि मैं राजा हूं, मैं यहाँ का नियंता हूं, मैं कंट्रोलर हूं. ये हम सब में है, हम सब में ये प्रॉब्लम है ना. हिरण्यकश्यप को अट्रैक्शन था सोने के साथ, तो वो तो हमें भी है ना, टू एन एक्सटेंट हमें भी है. फिर रावण को क्या प्रॉब्लम था, लस्ट का प्रॉब्लम था, है ना. वो एक, उसके सारे गुण थे, सारा ज्ञान था, मगर क्या प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम था, वो क्या था, लस्ट, जो उसको डुबो रही थी, है ना. ऐसे कंस, कंस और इन सभी दुराचारियों का आप अगर ध्यान से देखें तो वो जो उनके सबसे प्यारे हैं, प्रहलाद महाराज को उससे ज्यादा प्यारा कोई और था ही नहीं. उनका इकलौता बेटा था हिरण्यकश्यप का. जैसे वो स्कूल से आया, उसको झट से उठाई, गोद में बिठा लिया, और हिरण्यकश्यप ने पूछा, अच्छा तुम स्कूल में क्या पढ़ के, सभी पापा अपने बच्चों से पूछते हैं, बेटा आज क्या पढ़ के आया, है ना. तो वैसे वो पूछे, बेटा क्या पढ़ के आया, और उसे शुरू कर दिया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम. बस ये सुनते ही उन्होंने क्या किया, हिरण्यकश्यप ने उठाया प्रहलाद को, उठा के नीचे फेंक दिया. मतलब एक सेकंड लगता है किसी भी दुराचारी को अपना एटीट्यूड चेंज करने में, उनको झट से गुस्सा आता है ना. ऐसे ही कंस की सबसे प्यारी बहन, जिसका सारथी बन के कंस जा रहा था, जिसकी विदाई में सारथी बन के कंस जा रहा था, कंस आगे घोड़ों को हाँक रहा था और अपनी जीजा जी और अपनी बहन को उसे रथ पर बिठाया हुआ था, है ना. वो खुद अपने बहन बहनोई को एक सारथी की तरह रथ चलाकर लेके जा रहा था. बट क्या हुआ, एक आकाशवाणी हुई जिसने बताया कि इन्हीं का आठवां पुत्र तुम्हारा संहारक होगा. तो उसी टाइम उसने क्या किया, खट से सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ फिनिश कर दिया, उसको सेकंड भी नहीं लगा. और उसने क्या किया, अपने उसी प्यारी बहन को मारने का प्रयास किया, है ना. तब जब आकाशवाणी ने बोले इसको मारो मत, आप इसको कैद में डाल दो, तो उसके बाद वासुदेव ने भी प्रॉमिस किया कि हाँ मैं अपने पुत्रों को तुम्हारे को लाके दे दूंगा, आप देवकी को छोड़ दीजिए, तो जाके उसने उनको जेल में डाला. मतलब देखिए, अगर दुराचारी है तो जिसका प्रेम होता है दुराचारी का, वो सेकंड में चेंज हो जाता है. जबकि भक्त का प्रेम हमेशा निश्चल भाव से चलता रहता है, निश्चल भाव से वो बहता रहता है. जैसे हम कितनी भी गलतियां कर दें, अगर फिर भी हमारे गुरु महाराज हमारे को माफ कर देते हैं और हमारे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये होता है एक भक्त का स्वभाव. और दुराचारी का स्वभाव क्या है, जब उनको खुद की बहन और खुद का बेटा क्यों ना हो, तब भी वो क्या करते हैं, एक छोटी सी बात करते सीधा उठा करके बाहर फेंक देते हैं. तो ये जो अंतर हमें दिखाई देता है, ये भक्त के स्वभाव में और एक दुराचारी के स्वभाव में समझ में आता है कि जो भक्त है वो हमेशा अपने साथ सबको लेके चलता है. भक्त हमेशा दूसरों की छोटी गलतियों को माफ कर देता है. कृष्णदास कविराज के चैतन्य चरितमृत में अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत करते हैं. सृष्टि हेतु एहि मूर्ति प्रपंचे अवतारे, सही ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे. मायातीत परो व्योमे संचार स्थाना, विश्व अवतरी धरे अवतार नामा. कहते हैं अवतार तथा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु अवतरित होते हैं. ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है. ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं. जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है. तो क्या कह रहे हैं भगवान, तो ये क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज, वो ये कह रहे हैं कि भगवान के अनंत अनंत अवतार ऑलरेडी हैं भगवत धाम में. तो वो कोई प्रॉब्लम आने पर तो भौतिक इस सृष्टि में अवतरित होते हैं. अवतरित का मतलब आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जन्म ले रहे हैं. ये बिल्कुल वैसे जैसे हम में से कोई गौशाला में से आता है मंदिर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मंदिर में पैदा हो गया. ऐसे भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, मतलब आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आते हैं, मतलब अवतरित होते हैं. तो और उन्हीं को क्या कहा जाता है, अवतार कहा जाता है. अवतार किसको कहते हैं, जो भगवत धाम में स्थित है
और वो इस भौतिक जगत में प्रकट हो रहे हैं, भौतिक जगत में आ रहे हैं, है ना, सब हमको दर्शन देने के लिए। अवतार कई तरह के होते हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्तियावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार, इन सबका इस ब्रह्मांड के क्रमानुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। हम सब सोचते नहीं विष्णु के अवतार है राम, कृष्ण, वामन, वराह, बट उनको ये नहीं पता कि जो कृष्ण है वो सभी अवतारों के अवतारी है, मतलब कि वो अवतारी है और इनसे सब अवतार निकलते हैं। तो सब अवतार वहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑलरेडी है, हमें किन कितने के बारे में मालूम है, 10 के मालूम है, 24 के बारे में मालूम है, मगर जितने भगवान के अवतार है वो सब वहां पर ऑलरेडी स्थित है, मतलब वहां पर एग्जिस्टेंस में है, मगर जैसे उनको किसी की हमें जरूरत पड़ती है वो वाले अवतार उठ के यहाँ आ जाते हैं और वो यहाँ आकर के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो भगवान के अवतार अनेकों अनेकों तरह के होते हैं, जैसे पुरुष अवतार हुए गर्भोदक्षाय विष्णु, कर्णदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। गुणावतार क्या हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु और शंकर शिव जी, है ना। लीला अवतार क्या हुए, जैसे भगवान राम हो गए, वामन हो गए, सब लीला करने आए, लीला अवतार हो गया। शक्तियावेश अवतार, जैसे भगवान किसी किसी को शक्ति देते हैं कि जाओ और ये काम करके आओ, जैसे श्री प्रभुपाद, है ना, तो इनको क्या कहते हैं, जैसे जीसस, ये सब क्या है, शक्तियावेश अवतार है। ऐसे मनवंतर अवतार जो हर मनु के दिन में आते हैं वो मनवंतर अवतार, और युगा अवतार जैसे चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान के अलग अलग रूपों में, अलग अलग रूप में भगवान आते हैं और इन सभी रूपों को हम क्या कहते हैं, अवतार। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। तो भगवान का मूल उद्देश्य क्या है, भगवान का उद्देश्य सबसे पहला तो था परित्राणाय साधुनां, साधुओं को उद्धार करना, मगर उनके लिए तो भगवान अपने वो भी भेज देते हैं, जैसे प्रभुपाद भेजे, सभी हम जितनी भी अच्छी आत्माएं इस धरती पर हैं उन सबको ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करने के लिए, है ना, उनको लिए उनको भेज देते हैं। विनाश है जो दुष्कृता, मैंने बताया दुष्टों को मारने के लिए, तो भगवान का कोई भी जो उनका छोटा से छोटा दूत भी है वो भी इन दुष्कृताओं को मार सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो भगवान क्यों आते हैं, भगवान आते हैं अपने भक्तों को आकर्षित करने के लिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ट्रेलर दिखाने के लिए हीरो आते हैं, है ना, ट्रेलर दिखाते हैं, देखो मेरी वृंदावन लीलाएं ऐसे हैं, देखो हम ऊपर जाके वृंदावन में ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, और हम वो छोटी छोटी लीलाएं देखकर, मतलब छोटे छोटे ट्रेलर, छोटे छोटे पोस्टर्स देख करके हमें समझ में आया था कि भगवान के ऊपर कैसी अनंत लीलाएं चल रही होंगी। हमें अनंत लीलाओं के बारे में नहीं पता, मगर हाँ हमारे को उनकी अनंत लीलाओं के अंश समझ में आ जाते हैं, छोटे छोटे ट्रेलर समझ में आ जाते हैं, और हम उनके गुणगान करके उन्हीं लीलाओं को स्मरण कर करके शुद्ध हो सकते हैं, और शुद्ध होकर हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये क्यों भगवान ने अवतार लिया, भगवान ने अवतार इसलिए लिया ताकि वो हमारे को अपनी असली मूवी का ट्रेलर दिखा सके। भगवान ने इसलिए अवतार लिया ताकि वो हम उनकी लीलाओं को देख करके हम उनको बैठ के गा सके, हाय भगवान आप कितने सुंदर लगते हो ना, जब आपको यशोदा मैया रस्सी से बांधती है और हम इतना सुंदर दामोदर अष्टकम गाते हैं, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, तो वो सब गा करके क्या होता है, हमारी शुद्धिकरण होती है ना। तो भगवान की, भगवान अपने जगन्नाथ रूप में दर्शन करते हैं और फिर हम जब जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं तो हमारी जगन्नाथ शुद्धि होती है। तो भगवान की लीला स्मरण करके हम सब की क्या हो जाती है, शुद्धि हो जाती है। तो ये शुद्धि का कोई और तरीका था ही नहीं, हम तो यही माया में फंसे रह जाते, अगर भगवान और भगवान के भक्तों ने हमें यहाँ पर नहीं संभाला होता तो हम सब यहाँ फंस जाते, हमें कुछ पता नहीं चलता क्या लाइफ है, कहाँ जाना है, क्या सही तरीका है, भगवान को जानने का तरीका है, भगवान को पाने का क्या तरीका है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। हमें इसलिए समझ में आया क्योंकि हमारे को भक्तों ने हमारे को ये सब प्रकाशित किया और हम सब यहाँ आए,
तो भगवान अपने भक्तों को अट्रैक्ट करने आते हैं, और अगर सपोज कर भगवान के भक्त हमें पकड़ने में आते हैं, हम बोलते भगवान कौन है, हमें तो पता ही नहीं। तो इसीलिए भगवान ने आके अपनी लीलाएं दिखा दी कि देखो, ताकि वो समझा से देखो भगवान ये है, है ना, देखो भगवान ने ऐसे ऐसे लीलाएं की थी, देखो भगवान कितना महान है, देखो भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, देखो भगवान ने पूरा अपना पूरा यशोदा मैया के साथ ये लीला करी थी। तो हम बोलते अच्छा ऐसे क्या था, उन्होंने गोवर्धन उठाया था, अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमें समझ में आता अच्छा अच्छा हाँ सच्ची में ये भगवान है। नहीं तो हम सोचते नहीं नहीं पता नहीं कौन है क्या है, हमें नहीं समझ में आता। तो भगवान ने अपनी इतनी सुंदर लीलाएं इसलिए सुनाई, हमारे को दिखाई, है ना, और सब भक्तों ने उसको लिख करके हमारे कानों तक पहुंचाया, सिर्फ एक रीजन की वजह से, ताकि हम सब उसको गा करके सुन करके हम शुद्ध हो सके, और हमारी जो हृदय की ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां किस चीज की, अटैचमेंट किस तरह की है, किस तरह की हृदय ग्रंथि है हमारी, हृदय ग्रंथि है हमारी अटैचमेंट्स हैं, हमारे दूसरों के प्रति हमारे कुछ ग्रजेस हैं जो हमारी ग्रंथियों की फॉर्म में, जब हम भगवान से अट्रैक्टेड जाते हैं तो ये ग्रंथियां ना टूट जाती हैं, हमारे को दूसरों से ग्रजेस खत्म हो जाते हैं, मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया था, मेरे साथ ये हो गया था, उसका कारण ये था, हमारी सब ग्रंथियां सॉल्व हो जाती हैं जब भगवान की शरण में आते हैं। हम हमेशा उनको धन्यवाद करते हैं, अरे तुमने ऐसा ना किया होता तो मैं कभी भगवान के रास्ते नहीं चल पाता, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं कभी भगवान की सेवा में नहीं लग पाता। तो हम उनको दिल से हृदय से धन्यवाद कर पाते हैं कि हे भगवान देखो देखो जिसने भी हमारा बुरा किया, आज देखिए हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा हुआ ना, और जैसे जितना ज्यादा बुरा होता रहा उतना ज्यादा हम भगवान के क्लोज आते गए। नहीं तो अगर हम सब लोग पीछे जाके मुड़ के देखें 10 साल 15 साल पहले, तो हम कहां भगवान को जानते थे, कोई नहीं जानता था भगवान को कि भगवान कौन है क्या है। हाँ भारत भूमि में जन्म लिया तो राम और कृष्ण को तो जानते ही थे, मगर भगवान कृष्ण ही है, और भगवान ऐसे ऐसे हैं, भगवान इतने महान हैं, भगवान की सारी जो नॉलेज है कहाँ समझ में आती, कहाँ हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कर पाते नहीं कर पाते, नहीं कर सकते थे, एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती थी। तो सब क्या हुआ, भगवान ने आके ट्रेलर दिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने आकर के हमारे को हरि नाम दिया, उसके बाद सब भक्तों ने प्रचार किया, तब जैसे मुझ जैसी कुछ जीव पकड़ में आई, और फिर मैं उस समय अच्छा अच्छा ऐसा होता है क्या, ऐसा भी कर सकते हैं क्या, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, अपना उद्धार किया, धीरे धीरे एटलीस्ट ट्रेन में चढ़ गए हैं सही, अब सही डेस्टिनेशन पे उतर जाएंगे, है ना, जब तक सही ट्रेन नहीं पकड़ी होती तो अभी कहीं भटक रहे होते किसी जंगल में, और वो सोच रहे थे यही बड़ा मजे है ना, कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते, सोचते बस यही बहुत मजा आ रहा है ना, नहीं तो डोमिनोज पिज्जा से होम डिलीवरी मंगवा रहे होते, और बोलते वाह 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 वाह, है ना, एक पिज्जा के ऊपर 300 रुपए खर्च करके हम बोलते वाह क्या आनंद आया, जबकि अब लगता है छी क्या खाया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को आनंद का मतलब समझ में आया कि आनंद होता क्या चीज है ना, नहीं तो सब लोग से डोमिनोज का खाके पिज्जा खाके सोचते ये आनंद है, लेकिन ये आनंद तो तुच्छ आनंद भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो हमारा वाला आनंद है, जो भगवान के संग में रहने का आनंद है, भगवान की कीर्तन करने का आनंद है, जो भगवान के जप करने का आनंद है, जो भक्तों के संग में रहने का आनंद है, वो तो हमारे साथ दूर दूर से तक नहीं हो सकता। ये पिज्जा बर्गर तो सब खत्म हो जाते हैं, मल मूत्र बन जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना, और सेकंडों में टेस्ट खत्म हो जाता है ना। जैसे सपोज करिए किसी रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया खाना खा रहे थे, आपको बड़ा टेस्ट लग रहा था, उसमें से एक छोटा सा कॉकरोच निकलाया और आपका वहीं उठा के आप फटक देते, अरे ये तो बेकार है, इसमें तो कॉकरोच निकलाया, है ना, और आप वहां पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हो कि अरे ये क्या हो गया, ये तो इसमें से कॉकरोच निकलाया, इसमें से कंकड़ निकलाया, सारा किरकिरा हो गया, ये है वो है, हम चिल्ला रहे होते हैं। तो मतलब कि उसका जो आनंद था वो क्षण भर के लिए था, और जैसे ही वो जीप के नीचे उतरा उसके बट खत्म। मगर जो भगवान का प्रेम का आनंद है, उसका जो स्वाद है, वो जीव पर इस जन्म नहीं हमेशा हमेशा के लिए रहता है, और इसकी वजह से वो जीव एक बार भगवान की शरण में आ गया, वो भगवान की शरण में और अच्छे से आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इतना सुंदर प्रोसेस है, और हम सभी ये बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आनंद तो आ रहा होगा ना, बिना आनंद के कैसे क्लास अटेंड कर रहे होते, है ना।
तो वो आनंद किस चीज का है? आनंद है भगवान के प्रेम का। जब भगवान के प्रेम का आनंद हमें मिलता है तो उसके बाद सारे आनंद उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहेंगे, होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसे कि भगवत धाम में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया, पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। और ये भविष्यवाणी हम सच होते देख रहे हैं कि हर नगर में, हर गांव में जब जाते हैं और हरे कृष्णा बोलते हैं, आप पता है वर्ल्ड में किसी बड़ी सिटी के एयरपोर्ट पर उतरिए और वहां पे टैक्सी वाले को बोलिए हरे कृष्णा, चाहे वो टैक्सी वाला फ्रेंच हो, चाहे वो बेल्जियम का हो, चाहे वो युगोस्लाविया का हो, चाहे वो नाइजीरिया का हो, अगर एयरपोर्ट पे जाके आप तिलक लगा करके धोती कुर्ता पहन के हरे कृष्णा बोलते हैं तो वो क्या बोलेगा, टैक्सी वाला बोलेगा हरे कृष्णा लेट मी टेक यू टू इस्कॉन इस्कॉन, है ना। तो वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको पता है वो हरे कृष्णा वर्ड समझ पा रहे हैं। चाहे वो तुम्हारी कोई भाषा नहीं समझ पे पाएगा मगर वो हरे कृष्णा समझ करके आपको प्रॉपर अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाएगा, जहां पे आपको वही प्रॉपर चावल रोटी दाल सब वैसे मिल रहा होगा और वही भक्तों का समाज, वही प्यार प्रेम, वही भगवान के सुंदर दर्शन, वही कीर्तन, वही श्री प्रभुपाद की कृपा हमारे को हर हर जगह झलकती हुई नजर आएगी। तो कहने का अर्थ ये है, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है और श्री प्रभुपाद का अथक प्रयास है जिसकी वजह से आज हर शहर तक तो पहुंच गया है, पर अभी हर ग्राम गांव गांव में पहुंचाना हमारा सब काम है। छोटे लेवल पे काम करने का हमारा काम है। भगवान चैतन्य को रूप में, किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों में, महाभारत से और भागवतम जैसे शास्त्रों में गुही अंशों में वर्णित किया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं अपितु अपनी अहेतु की कृपा के से उनका उद्धार करने आया है। मतलब भगवान के सभी अवतारों में आप देखिए, चाहे वो कोई भी अवतार था, भगवान ने क्या किया, जो दुष्कृताम थे उनका नाश किया था। चाहे वो राम अवतार के रूप में आए, चाहे वो नरसिंह रूप में आए, चाहे वो कृष्ण रूप में आए, सभी राक्षसों का नाश किया। मगर इकलौता चैतन्य महाप्रभु का एक ऐसा रूप है जहां उन्होंने किसी को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने जो हमारे हृदय में बैठे राक्षस है उसका नाश किया। क्योंकि कलयुग में तो सारे ही राक्षस होंगे, किस किस को मानेंगे भाई, सारे के सारे ही, सबके हृदय में राक्षस बैठा है और सबके हृदय में राक्षस, तो उस कितने राक्षसों को मारोगे आखिर। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, हमारे हृदय में जो राक्षस बैठा है, जो हमारे हृदय में बुराइयां बैठी है, उनको खत्म करने का उपचार बताया कि उनको कैसे खत्म किया जाए, उनको कैसे मतलब सुधार दिया जाए। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि हर जीव को मारना तो पॉसिबल नहीं है भाई, वहां तो एक रावण था, उसकी छोटी सी सेना थी, है ना, मगर यहाँ तो हर बंदा रावण है, यहाँ तो हर इंसान कंस और हिरण्यकश्यपु है, हर बंदे के अंदर ये प्रॉब्लम्स है, तो अब ऐसे के अंदर किस किस को मारेंगे। तो मारने का क्या तरीका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो आज तक सिर्फ मीट मच्छी खाया करते थे, वो सब सुधर करके भगवान की शरण ग्रहण कर लिया उन्होंने और सबको छोड़कर अब भगवान के कार्यों में लगे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं। सो ये चीज भगवान के अवतरण का मेन रीजन ये होता है, ताकि हम सबको अपनी लीलाएं दिखाकर, जब हम राम की लीलाएं पढ़ते थे, सुंदर सुंदर लीलाएं पढ़ते हैं, हम देखते हैं, उनसे सीखते हैं कि कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, और भगवान की लीला गा गा के राम 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 कर करके भी उद्धार हो जाता है। तो भगवान का जब नाम रूप में हम लोग करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। इसके अलावा श्रीमद् भागवतम में कहा गया, जब सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे गए, तो उसका आखिरी प्रश्न ये था कि कलयुग के जो प्राणी आने वाले हैं वो इतने मंद बुद्धि मंद भाग्य होंगे, इनका उद्धार कैसे होएगा। तो उन्होंने बोला कि श्रीमद् भागवतम पुराण जो है वो भी अपने आप में क्या है, वो भी भगवान का ही अवतार है, ग्रंथ अवतार कहते हैं।
वो ग्रंथ अवतार जो है वो भगवान का अवतार ही है, और उसका आप जब स्टडी करते हैं भागवतम का, तो अपने आप परित्राणाय साधु नाम, साधु का रक्षा विनाशाय दुष्कृतम, जो हृदय के अंदर जो दुष्कृतम बैठे हैं उसको मारने का काम, धर्म संस्थापना धर्म की स्थापना करने का काम, ये तीनों काम भागवतम भी कर रही है। इसीलिए भागवतम को भगवान का ग्रंथ अवतार कहा जाता है ना। तो एक और अवतार हुआ, जो कि कलयुग में भगवान हम जैसे तुच्छ प्राणियां जो है, मच्छर जैसे तुच्छ प्राणी है, हमें ना कोई बल है, ना कोई यश है, ना हमारा कोई कैलिबर है, ना हमारे कुछ आता है, ना हमारे अंदर कोई रूप है, ना गुण है, कुछ तो नहीं है, और अहम अहंकार तो इतना बड़ा है हमारा। तो वो भगवान क्या करते हैं, फिर भगवान ने क्या कहा, मैं अपने ग्रंथ रूप में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम उसको पढ़ो और अपना उद्धार करो, और धीरे 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 जब इस ग्रंथ रूप में आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आप अपना धीरे 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 उस चीज को आप क्या कर पाएंगे, अनुमोदित कर पाएंगे, धीरे धीरे आप फॉलो कर पाएंगे और धीरे धीरे दूसरों को भी फॉलो करवा पाएंगे। तो इसीलिए भगवान का चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए नाम देने के लिए, और नॉलेज देने के लिए कौन आए, वो श्रीमद् भागवतम आ गई। तो इसीलिए दोनों कॉम्बिनेशन हम भक्तों के उद्धार करने के लिए है। हम सबको श्रीमद् भागवतम का धीरे 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 अपनी स्टेज आने पर हमें उसका अध्ययन करना चाहिए, और नाम जो है जब वो बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना चाहिए, कि हमें हरिनाम कितनी कॉन्सेंट्रेशन से कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो भगवान का अवतार, अब हम सोचे कि भगवान हम जैसे छोटे छोटे मंद बुद्धियों के लिए आएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए भगवान ने क्या दिया, अपनी पूरी पावर अपने हरि नाम में भर दी, कि ठीक है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलो, और उसके बाद बोलते ही आपका अपने आप प्योरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा, अपने आप वो जो दुष्कृताम बैठा है अंदर वो साफ हो जाएगा। शिल प्रपात की जय।